जाखल के अग्रसेन मेन बाजार रेलवे रोड पर शाम के लगभग 6 बजे 7 से 8 लड़के मुंह पर रुमाल बांधकर प्रदीप कुमार नाई की दुकान पर पहुंचे। गनीमत रही कि उस समय दुकान पर कोई नहीं था। आरोपी उसकी दुकान को बुरी तरह से तोड़ फोड़ कर बड़े आराम से चलते बने। इस दौरान वहां से पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, परंतु उन्होंने वहां पर रुकना भी उचित नहीं समझा, न ही पुलिस ने सायरन बजाया। पुलिस 112 को सूचना करने के बाद 1 घंटे के बाद पहुंची। अब देखना यह है कि गरीब दुकानदार को न्याय मिलेगा या ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। जी अभी चार आदमी आए थे मेरी दुकान पे तोड़ फोड़, मतलब उन्होंने बिना मतलब में मेरा कोई पता ही नहीं मुझे। अभी पुलिस की गाड़ी आई थी, मैंने उन्हें बुलाया अभी, वो मतलब जी अपना चलते बने जी। क्या मुंह के ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था, लूट मार हुई है जी। कितनी उम्र के लड़के लग रहे थे? नमी उम्र के हैं जी। तो कितने का नुकसान हुआ आपका? मेरा मतलब है जी कोई 50-40 हजार का नुकसान है जी। टाण चबा चल दिया इन्होंने और मेरे जल्ले में 12,000 रुपये पड़े थे जी। वो मतलब बोल लेते गए हैं और मेरा 50,000 पूरा ही चबा चल दिया इन्होंने। घटी जी, हम तो सामने बैठे जी, हम तो अभी निकल के गए, पता ना कौन है मुंह बांध बांध के आए जी। कितने लोग हैं? हटे 7 हो 8 हो 3 जने। दुकान भर गई सगरी हमारी, वो चक्कू छुरा जी लेके आए, तलवार हमें बड़ी बड़ी वो लेके लेके आए जी। मतलब चीजें भन 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 सके मिनट में कर गए जी। तो हमारी तो सगी दुकानें कर गए, हमारी गरीब आदमी की जी। मैं तो कम से कम 50-60 हजार का नुकसान है मेरे तो जी, कम से कम 60 हजार का नुकसान है। मतलब गरीब आदमी हम कहाँ से करेंगे? देखो इतने लांगे हैं, ये तो गुंडागर्दी है गई, ये दिन में गुंडागर्दी मचाइएगा तो जी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी, पुलिस को बताइए जी। पुलिस हम रोकी हमने माँ बेटन ने, पर रुकी नहीं पुलिस, तो चलती बनी पुलिस तो जी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।